अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम YouTube के ऊपर लाइव किस तरीके से जा सकते हैं। मीन के ऐसी कोई वीडियो जो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड की हुई है वो किस तरीके से हम YouTube के ऊपर जो है वो लाइव ऑप्शन पे चला सकते हैं। आज किस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। डिटेल बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी व्यूअर्स, आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम यूट्यूब के ऊपर जो है वो लाइव का ऑप्शन किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मीन के ऐसी कोई वीडियो जो हमने ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्ड की हम चाहते हैं कि YouTube के ऊपर हम वो अपनी वीडियो को जो है वो लाइव चला सकें, तो वो किस तरीके से हम चला सकते हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से हम YouTube के ऊपर जो है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो को जो है वो लाइव कैसे चला सकते हैं। क्योंकि आपने अक्सर YouTube के ऊपर देखा होगा कि बाद वीडियोज हमारे पास शो हो रही होती है लेकिन उसके साथ जो है वो लाइव का ऑप्शन भी लिखा आ रहा होता है। मीन के ये वीडियो जो है वो इस वक्त लाइव चल रही है, तो वो ऑप्शन जो है वो हम किस तरीके से YouTube के ऊपर यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल से जो है वो लाइव वीडियो चला सकते हैं। तो चलते हैं हम सीधा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो लाइव का ऑप्शन प्री रिकॉर्डेड वीडियो के लिए यूज कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपने करना क्या, आपने सबसे पहले अपने चैनल के जो है वो लोगो पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड सामने आने के बाद आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमारे पास सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, आपने सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास चैनल का ऑप्शन आएगा, हम चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन फीचर एलिजिबिलिटी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये तीन फीचर्स आ रहे हैं। ये दिखाने का सिर्फ मकसद आपको ये है कि आपने ये तीनों फीचर्स जो है ये ऑन रखने हैं, इसको जो है वो आपने जो है वो इनेबल करना है, इसको डिसेबल नहीं होने चाहिए। ये आपके चैनल के ऊपर जिसके ऊपर आप जो है वो लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं उसके लिए ये तीन ऑप्शन आपके चैनल के ऊपर जो है वो इनेबल होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी जो है वो इसको इनेबल कर ली है, आप भी जो इसको वेरीफाई करके इनेबल कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसको मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने यहां पे जो है ये हमारे पास यहां पे लाइव गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, हम इस गो लाइव के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देंगे। जैसे हम गो लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की जो है वो स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब हमने यहां पे जो है वो वीडियो को किस तरीके से लाइव करना है, जैसे ये स्क्रीन हमारे पास सामने शो होगी, इसके बाद हमने करना ये है कि हमने एक सॉफ्टवेयर को जो है वो डाउनलोड करना है, क्योंकि डायरेक्टली हम वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालकर जो है वो लाइव नहीं चला सकते। इसके लिए जो है हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, उसके साथ जो हमें कंपेटिबल इसको करना पड़ता है, फिर जो है वो हमारी वीडियो यहाँ पे लाइव आती है। अब वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो आपने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे वीडियो जब इसके साथ आपने लाइव पे लिंक करनी है। अब यहाँ पे मैं दूसरी स्क्रीन ओपन करने जा रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर का लिंक जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह इसमें दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सॉफ्टवेयर का नेम भी मैं आपको बता देता हूँ, OBS स्टूडियो जो है वो इसका नेम है 26.02। ये अपने सेटअप नेम देख लेना, ये अगर आप खुद भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इंशाल्लाह इस सॉफ्टवेयर का जो है वो डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन कर दूंगा। आपने जस्ट जो है वो स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना, ये सेटअप आपके सिस्टम में जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये सिस्टम में डाउनलोड हो तो आपने इसके बाद जो है वो सेटअप ये इंस्टॉल कर लेना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, जैसे ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद इंशाल्लाह इंस्टॉल करके इसको मैं फिर आगे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसके ऊपर जो है वो लाइव वीडियो चलानी है। तो जी व्यूअर्स, आपने ये सेटअप जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये सिंपली यहाँ पे आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो सेटअप डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जस्ट इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है वो कुछ इस तरीके का आपके पास जो है वो डिस्प्ले आ जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होता है ये मैक्सिमम जो है वो 1 से 2 मिनट लेगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने जो है वो इसका जो है वो मेन स्क्रीन इसकी आ जाएगी। OBS स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जो है वो प्लस का साइन आ रहा है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास मीडिया सोर्स का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। आपका मीडिया सोर्स के ऑप्शन यहाँ पे आप जो है वो जो भी नेम इसका रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे इसका जो है वो नेम लिख लेना। हम लिख लेते हैं जी एनिमल्स, या हम लिख लेते हैं जी टेस्टिंग वीडियो के नाम से, हम जो है वो टेस्टिंग लाइव वीडियो इस नेम से हम कर लेते हैं जी। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा, हमने ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो वीडियो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको जो है वो आप लाइव चलाना चाहते हैं, तो वो वीडियो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी। अब मैं यहाँ से जो है वो एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, जो वीडियो आप लाइव चलाना चाहते हैं वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है।
मैं इस वीडियो को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर तो आप लूप पे चलाना चाहते हैं, लूप का मतलब है कि वीडियो आपकी स्टॉप ना हो, जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहे, तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अदरवाइज आपने ओके के बटन पे क्लिक करना है तो वीडियो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने इसका जो है वो स्क्रीन साइज ओके कर लेना है कि जो है वो फिट स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे करने के बाद अब आपने जो है वो लाइव इसके साथ जो है वो कनेक्ट किस तरीके से करना है, अब आपने वापस आ जाना है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। यूट्यूब चैनल के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है जी डिफॉल्ट स्ट्रीम RTMP वेरिएबल्स। इसके नीचे जो है हमारे पास एक की आ रही है, ये की आपने यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है, आपने वापस इस सॉफ्टवेयर में आना है। यहाँ पे आके आपने सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, आपने स्ट्रीम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्ट्रीम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है जी यूट्यूब, यहाँ पे आपने शो ऑल सेलेक्ट करना है जी। शो ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे आ रहा है जी यूट्यूब गेमिंग, ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने वो जो की आपने वहाँ से कॉपी की थी वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे नीचे अप्लाई के ऑप्शन पे और फिर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ये वीडियो हमारे पास सेलेक्ट कर ली, इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट स्ट्रीमिंग का, आपने स्टार्ट स्ट्रीमिंग के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो हमारी लाइव चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब वापस हम अपने जो है वो YouTube चैनल पे आते हैं तो ये देखिएगा ये वीडियो हमारी यहाँ पे जो है वो लाइव चलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये देखिए हम अब हमारा ये लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी वीडियो को जो है वो लोड कर रहा है। हमारी वो वीडियो जो हमने उधर प्ले की थी वो हमारी चलना, अब मैं यहाँ से जो है वो वीडियो को प्ले कर देता हूँ तो ये जो है हमारा लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया कि हमने इस तरीके से जो है वो इस वीडियो को हमने प्ले कर दिया, इसके साथ अटैच किया। तो इस तरीके से हम कोई भी वीडियो जो है वो आसानी से अपने YouTube चैनल के ऊपर जो है वो लाइव चला सकते हैं। किसी किस्म की जो है वो वीडियो हम अपने जो प्री रिकॉर्डेड हमने रिकॉर्ड करके रखी हुई है हम उसको जो है वो अपने YouTube चैनल के ऊपर ये देख सकते हैं। अभी हमारे YouTube चैनल के ऊपर इस वक्त जो है वो लाइव चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।